ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इसलिए वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप नीचे देख सकते हो 30,000 सब्सक्राइबर के कितने करीब है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए किस नए वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। यहाँ से गाइस आप सभी को दो चीज़ ऐड करनी है, एक तो गाइस जो गर्ल का पीएनजी है एंड जो आपका मॉडल का जो पीएनजी का वो, ठीक है, दोनों का आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं एंड आपको फुल स्क्रीन करके इसको सिंपली ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन आपको ऐड फोटो में जाना है, आपको यहाँ से अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस पहले तो आप लोगों को यहाँ पे साइज वगैरह सेलेक्ट करना है, मतलब कि आपका मॉडल जो है यहाँ पे मतलब कि अच्छे से सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जो हाइट वगैरह जो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो गर्ल का जो पीएनजी है इसमें उसके हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, तभी रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे वैसे सेम करना, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, देन उसके बाद आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपका जो मॉडल है वहाँ पे अच्छे से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको कर लेना, बाकी अगर हो जाता है तो फिर इरेजर टूल में जाकर आपको जो यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इरेज करना है। इतना बताने के बाद गाइज आप लोगों को दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाले जो ऑप्शन है उसमें से आप सभी को जो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। ये इसलिए ऐड करना है गाइज क्योंकि यहाँ पे हम इससे जो है शेडो बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम सिंपली मूव डाउन कर देंगे, इरेज़र टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हमें जहाँ जहाँ पे शेडोज चाहिए हम वहाँ पे शेडो क्रिएट करेंगे। अगर शेडो वगैरह बनने के बाद जो आप सभी को इसकी जो ओपेसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेना अपने फोटो के हिसाब से, देन उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को दोबारा जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है एक पीएनजी और जो कि होगा यहाँ पे विग्नेट का, सो हम उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं। एंड आप जिसको यहाँ पे जैसे इसको आप ऐड करोगे आपको सिंपली इसमें करना है कि आपको फुल स्क्रीन करना है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है क्योंकि अब इसमें हमें रिटचिंग करनी है जो कि हम करेंगे लाइटरूम ऐप में, तो इसको हम यहाँ से सेव करते हैं, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब आपसे यहाँ चले जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, आपको जहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट्स को जो आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है एंड उसके बाद आपको जो वाइट मिलेगा यहाँ पे तो वाइट को भी कुछ नहीं करना, आपको पहले ब्लैक को कम कर देना है, देन आपको वाइट को जो अपने फोटो के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है। फिर आपको कलर्स में जाना है, यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है
एंड उसके बाद जो टेम्परेचर होगा उसको रहने देना। अब मिक्स में जाना, ये ऑरेंज कलर का जो ल्यूमिनस है आपको उसको थोड़ा सा कम करना है, सैचुरेशन जो है इसको थोड़ा कम करना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सैचुरेशन कम करना है, ल्यूमिनस को थोड़ा कम करना है ताकि डार्क हो जाए जितना भी ब्लू पार्ट है, एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। फिर उसके बाद चले जाना आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में, आपको पहले क्लियरिटी को इंक्रीज़ करना है एंड फोटो में हल्का सा विग्नेट डाल देना है, एंड नीचे आपको फीदर का ऑप्शन मिलेगा आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड चले जाना एडिट वाले टूल में, आपको यहाँ पे शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना है, एंड फाइनली आपकी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, और बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।